हेलो एवरीवन, हैप्पी बसंत पंचमी। फ्रेंड्स, आज माँ सरस्वती का दिन है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी होती है, और इन्हीं की कृपा से हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं, कुछ भी हासिल कर पाते हैं। तो मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूँ अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ पे मैंने माँ सरस्वती जी की पूजा की और बच्चों के साथ बसंत पंचमी सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे वीडियोस ज़्यादातर डिपेंड होते हैं सेल्फ केयर पे और बेटरमेंट पे, हम अपनी लाइफ को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं स्वीट पे कुछ आपको बताने वाली हूँ। हम में से कितने लोग हैं जिनको स्वीट नहीं पसंद है? शायद ही कोई होगा। और सभी को ये पता है कि नुकसानदायक भी होता है, इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ये पता है, इसका नशा भी होता है, आपको पता था पहले से। ये ना कोकेन से भी ज़्यादा नशीला होता है, क्योंकि ये ब्रेन में जाके कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, नहीं डाइवर्ट करेंगे टॉपिक को। तो उससे ना हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हमें इसका आदत लग जाता है स्वीट का। तो जो वाइट शुगर होती है, सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, लेकिन क्या हम इसको बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए? नहीं। तो मैं आज कुछ इसके अल्टरनेट ऑप्शन लेके आई हूँ, जो कि मीठे भी हैं और इसी की तरह टेस्ट भी देंगे और नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऊपर से हेल्दी ज़रूर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम एज अ स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है जैगरी या गुड़। ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स फाइबर से भरा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। और ध्यान देना आप लोग कि जितना इसका डार्क कलर होगा ना, उतना ही ज़्यादा इसका क्वालिटी अच्छा है। जैगरी पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, इसको ब्राउन शुगर या खांड बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है मिश्री। ये कुछ नहीं होती है, चीनी बनने की प्रोसेस में एक स्टेप पहले मिश्री बन जाती है। और आप ध्यान दीजिएगा, वो धागे वाली खरीदिएगा, वो जो सेपरेट वाली होती है ना क्रिस्टलाइज, वो कुछ और नहीं होती है, वो चीनी का ही थोड़ा सा बड़ा वाला रूप है। तो मिश्री में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, बट चीनी में ये सब कुछ भी नहीं रह जाते, सिर्फ शुगर ही रहती है। और नेक्स्ट है डेट शुगर। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है शुगर का, इसमें मिनरल्स और फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। और ये सीरप और पाउडर्ड और गुड़ जैसे क्यूब के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है मार्केट में। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वेल नोन ऑप्शन है हनी, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और आपको पता है इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। ये बहुत सारी ब्रांड में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो मुझे अब लगता है कि एक सफेद जहर, जो कि चीनी, छोड़ना अब बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मेरे घर में खुद बहुत सालों से चीनी की जगह पे जैगरी, डेट शुगर और ब्राउन शुगर यूज की जा रही है। तो उम्मीद है आप लोग भी करेंगे, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।